आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस की। बुक का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति, चैप्टर है 1 शीत युद्ध का दौर। बात करें भाई शीत युद्ध क्या था, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए और कौन जीता, इस पूरे चैप्टर में इसी की बात हम करने वाले हैं। क्या इसका असर रहा और काफी कुछ बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले मैं आपको दो बात बता दूं कि इससे पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये शीत युद्ध शुरू हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था, 4 साल चला और इस विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा हानि हुई। ठीक है, इस पूरे विश्व युद्ध की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, एकदम पूरे डिटेल में पड़ी है, आप चाहें तो जाकर इसको देख सकते हैं, आपको काफी मजा आएगा कैसे एक आदमी के मरने से पूरी दुनिया आपस में लड़ने लगी। सोचो आप कि एक आदमी की मौत के कारण, एक आदमी को मार दिया था और उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो इस बारे में मैंने पूरा कवर कर रखा है, आप जाकर उस वीडियो को वॉच करते हैं। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो ये चैप्टर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होता है और इस चैप्टर में द्वितीय विश्व युद्ध की काफी सारी बातें हैं। तो चलिए सीधा टाइम न गवाते हुए चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। बात करें इसकी समय सीमा की यानी पृष्ठभूमि की, तो ये 1939 से लेके 1945 के बीच में लड़ा गया और लगभग 6 साल चला। और ये जो विश्व युद्ध था, अच्छा किसी के मन में डाउट अगर है तो मैं जरा क्लियर कर दूं, विश्व युद्ध कहते किसको हैं। विश्व युद्ध ऐसी स्थिति होती है जहां पर दुनिया के लगभग सभी देश या कहो तो पूरी दुनिया आपस में लड़ लग जाए, उस स्थिति को कहते हैं वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध। ठीक है, अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुई थी शीत युद्ध, जो इस चैप्टर को बारे में डिस्कस करने वाले अभी इस वीडियो में हम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे। तो बात करें कि ये जो विश्व युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हुआ ही क्यों। अच्छा, तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो या अगर आप लोग पहली वीडियो देख के आओगे ना वर्ल्ड वॉर वन वाली, तो यहां पर आपको चलेगा पता कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो प्रथम विश्व युद्ध में ही हो गई थी। कैसे जरा देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा मान जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध के साथ ही बनने लगी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने के बाद वसाया संधि, ठीक है, वसाया संधि की गई थी एक, ठीक है, हस्ताक्षर करने पड़े थे और इसके साथ ही इसको भारी भुगतान करना पड़ा था और बड़े जमीन के पार्ट को इसको खोना पड़ा था, मतलब देना पड़ गया था। ठीक है, और सेना क्या कर दी गई, इसकी सीमित कर दी गई थी और ढेर सारे प्रतिबंध और सैंक्शन लगा दिए गए कि आप सेना नहीं आ सकते, आप हथियार नहीं बना सकते, मतलब काफी सारे, और इस कारण से इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो गई थी और जिससे इनके मन में क्या हुआ, एक आक्रोश सा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बदला लेने का भावना। ठीक है, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया भाई, 1939 से लेके 1945 के बीच में, डेट जरा आप लोग याद रखेंगे, टोटल 6 वर्ष था। ठीक है, और इस विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा हानि हुई, ज्यादा लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ और भाई साहब करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, मिलियंस ऑफ लोग डाई हो गए इसमें, मर गए, और बहुत सारे जिनका कोई कसूर भी नहीं था इस युद्ध में वो लोग भी मारे गए। ठीक है, और इस विश्व युद्ध में हमने पहली बार परमाणु हथियार का प्रयोग देखा था, जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था और एक ही बार हमारी अब तक की जर्नी में एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो इसी वॉर में हुआ था। ठीक है, और इसी वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने देखा कि विनाश कितना ज्यादा हो सकता है बम के कारण। ठीक है, और खासकर परमाणु बम के कारण। चलिए बात करते हैं, कह रहा इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने क्या लिया, भाग लिया, और पूरा पूरी दुनिया 2 भाग में बट गई भाई और आपस में लड़ लग गई, और 2 भाग को नाम दिया गया। पहले भाग का नाम था मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरी राष्ट्र क्या था भाई, धुरी राष्ट्र। ये 2 लोग थे और इन 2 लोगों ने पूरी दुनिया को आपस में बांट दिया और आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं कौन कौन था इन दोनों के अंदर, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए जो आगे बढ़ेंगे ना, तो नाम बार बार आएगा, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, तो आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन लोग थे। बात करें मित्र राष्ट्र की,
तो इसमें था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और बात करें धुर राष्ट्र की, इसमें था जर्मनी, जापान और इटली। नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल नाम याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, और धुर राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कैसे भी समाप्ति, तो अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। अच्छा, इससे एक दिन पहले क्या हुआ था, तो इससे एक दिन पहले, बम गिराने से ठीक एक दिन पहले, जापान के फाइटर जेट्स ने अमेरिका पर हमला किया था, अमेरिका के एयरबेस पर, ठीक है। तो इसी गुस्से के कारण, मतलब ये था कि मतलब ठीक इसके बाद ही हमला हुआ, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ना इतना पिन करने वाला रीजन था। रीजन तो वैसे बहुत सारे थे, क्योंकि अमेरिका के काफी सारे रीजन थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, तो जो लोग समर्थक है वो कहते हैं कि भाई इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इसके नुकसान से बचने के लिए अमेरिका ने कराया गया, ठीक है। तो दोनों के जो विरोधी हैं उनके अलग पक्ष हैं, और जो क्या है समर्थक हैं उनके अलग पक्ष हैं, ठीक है। तो हम दोनों की ही बात करेंगे अभी आगे चलने के बाद, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, बात कर दूं कारण क्या थे यार इसके। अगर बात करूं इसके कारण की, तो यार कुछ मोटा मोटी कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला कारण था, वो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा, एक तो था जर्मनी के साथ भाई बुरा व्यवहार। क्या किया कि भाई जो मित्र राष्ट्र थे, जो पहले विश्व युद्ध में क्या था, जर्मनी हारा था भाई, याद रखना, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हारा था, और उसके हारने के साथ उस पर बुरा व्यवहार किया गया, और इसीलिए जर्मनी का क्या भाई बदला लेने की भावना उत्पन्न हुई। पहला काम तो यह था, और सोने पे सुहागा हो गया हिटलर, क्योंकि हिटलर ही भाई जर्मनी का आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और इटली में एक था मुसोलिनी नामक व्यक्ति, ये भी क्या था, कट्टरवादी था, मतलब हिटलर जैसा ही था, और इन दोनों ने मिलकर ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए थे, मतलब यही लोग थे लड़ाई करवाने वाले, ठीक है। अच्छा, भाई हिटलर कौन था, तो यार इसके लिए ना एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको भी, जल्दी ही आ जाएगी वीडियो भी। और याद रखो, हिटलर ना प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था, और वहां से ये बच गया था, और उसके बाद इस अकेले व्यक्ति ने पूरी जर्मनी के साथ लेकर, मतलब एक व्यक्ति पहले देश पे कब्जा किया उसने, ठीक है, देश का लीडर बना, और उस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड वॉर छेड़ दी, पूरी दुनिया को आपस में लड़ा दिया, दो शहर जो हिरोशिमा और नागासाकी थे परमाणु बम गिरने से नक्शे से तरह से मिट गए थे। मतलब आप देख रहे हो, लिटरली एक व्यक्ति ने कितना ज्यादा विनाश कर दिया। लोग इसको क्या कहते हैं, हिटलर को ना लोग बुरा मानते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूं तो एक अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता अगर वो चाहे तो। अगर वो बुरा बनता है तो देखो कितना कर पाया है, और व्यक्ति अगर अच्छा बने तो कितना कर सकता है। चलिए ठीक है, ये एक तरह से मोटिवेशन भी है और एक तरह से बुरी बात भी है। लोग मानते हैं कि हिटलर ने क्या किया, नरसंहार किया, और हिटलर की थोड़ी सी स्टोरी है डेंजरस टाइप की, मतलब ये बड़ा क्रूर था। इसका मानना था कि जो लोग भाई किसी काम के लिए उन्हें मार डालो, ये लोग बुड्ढों वगैरह को ना मार देते थे, ठीक है। और नाजीज को खासकर इन्होंने जो थे ना, नाजीज कहते थे अपने आप को हिटलर लोग, ठीक है। और ये लोग जूस से ना एक कौम थी, बड़े चिढ़ते थे, और उनको कत्लेआम बहुत किया हिटलर ने, मतलब हिटलर की तो एक अलग स्टोरी है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लौटते हैं फिलहाल टॉपिक पे, ठीक है। मेनली हिटलर एक तानाशाह था, इसको ऐसे समझो आप लोग, ठीक है, करे। अच्छा, तो जैसे ही ये जो हिटलर और मुसोलिनी थे, ये लोग क्या हुए, शामिल हुए, तो इसके बाद क्या था, उस समय जो टाइम था ना, सभी लोग क्या थे, तानाशाह सरकार थे, और सभी देश आपस में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे, ठीक है। तो हिटलर और मुसोलिनी ने क्या किया, दोनों कट्टर तानाशाह थे, इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र का विरोध किया। भाई लोकतंत्र था क्या, होता क्या है, तो भाई लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, जहां जनता सरकार को चुनती है, और ये दोनों के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन जिसे बोलते हैं के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। और जो तीसरा कारण था, वो था भाई विश्व में क्या आ गई, मंदी आ गई थी 1930 के आसपास, विश्व में क्या हुई, वैश्विक आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आ गई, और इससे लगभग पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से हिल गई थी, ठीक है, और काफी बुरा असर पड़ा था, और बहुत से देश तो एकदम क्या है ना,
बैंक्रप्ट हो गया, मतलब उनके पास खाने को भी अनाज वगैरह नहीं था, इस टाइम ऐसी स्थिति आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आय की बात कर तुम्हें तो इसका अंत कैसे हुआ भाई? तो बात करें इसके अंत की, तो क्या हुआ, जर्मनी जो था वो इंग्लैंड के साथ युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड को वो हरा नहीं पाया। क्या हुआ, हराने में यार नाकाम रहा। और इटली ये भी इनके साथ में ही था, इसने क्या कर लिया, अपनी हार मान ली। ठीक है, और अंत में जापान क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इटली ने हार मारी, फिर जर्मनी ने, और जापान जो था ना ये अपनी हार नहीं मान रहा था। क्या कर रहा था, अपनी हार नहीं मान रहा था। तब अमेरिका ने क्या किया, 1945 में जापान के दो शहरों पर, कौन कौन से शहरों पर, एक था हिरोशिमा एक था नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और लाखों लोग मारे गए। आप इमेजिन नहीं कर सकते परमाणु बम कितने खतरनाक हैं, इसमें लाखों लोग तो मारे गए गए। आप समझो जो 3 किलोमीटर के रेडियस रहते हैं ना, वो लोग लिटरली भाप जाते हैं, इंसान का भाप बनना, सोचो कितना हाई टेम्परेचर रहता है बम में। और बम तो फट गया, उसके बाद रेडिएशन आएगा, रेडिएशन से लाखों लोग मरेंगे। आप ये समझ लो रेडिएशन से लोगों के डीएनए बदल जाते हैं, ठीक है, बच्चे लंगड़े लूले अंधे अपंग से पैदा होते हैं, और इसका असर जापान में आज तक दिखाई देता है, समझे। तो ये बम क्या, जिस टाइम फटता है उस टाइम तो डेंजरस है ही है, और उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक डेंजरस होता है। और आज तक ऐसे हथियार ना किसी युद्ध में यूज किए गए थे आज से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, और ना आज उसके बाद कभी हुए हैं। तो ये एकमात्र युद्ध था जहां पूरी दुनिया ने देखा कि परमाणु हथियार कितना विनाश कर सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इनका नाम क्या था, कितना बारूद बारूद था इसके अंदर, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, इसमें कह रहा है, और उसके बाद हिटलर ने क्या किया भाई, इसने भी जर्मनी ने भी अपनी हार मान ली। ठीक है, और इसी के साथ ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगर बात करते हैं आगे की, तो यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो जीत के बाद का चित्र है, और यहाँ पे दो लोग थे, एक तो थे जो अमेरिका के समर्थक में थे कि भाई इन्होंने बम गिराया सही किया, ठीक है, एक लोग थे क्या थे, उसके विरोध में थे कि भाई अमेरिका ने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा कौन से वो दो बम थे भाई, तो पहला बम था कौन सा, एक था फैट मैन और दूसरा था लिटिल बॉय। ये दो बम थे, एक था कौन सा भाई, फैट मैन और दूसरा लिटिल बॉय। अमेरिका ने 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराए, और दोनों बमों की क्षमता थी कितनी भाई, 15 से लेके 21 किलो टन, कितनी थी, 21 किलो टन। ठीक है, और देख रहे हो आप दोनों बम, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही बम गिराए गए तत्काल ही जापान ने अपने घुटने टेक दिए गए। ये देखो, ये है फैटमैन और ये है लिटिल बॉय। ठीक है, अच्छा तो कुछ लोग क्या मानते हैं भाई, देखो आप लिखा भी है, अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के कुछ विद्वान क्या थे, समर्थन किया, तो कुछ ने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अच्छा दोनों की बात कर लेते हैं, कौन लोग समर्थक थे और कौन लोग विरोध में थे। तो देखो भाई, जो आलोचक थे यानी जो विरोध कर रहे थे, वो उनका कहना था कि, आलोचकों ने कहा कि बम गिराना जरूरी नहीं था क्योंकि जापान हार मानने ही वाला था। अच्छा या देखो, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है, मानना आएगा, ठीक है, हार मानने ही वाला था, ठीक है, ठीक कर लेना, और बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, और इससे क्या हुआ, केवल विनाश हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। ठीक है, जो लोग आलोचक थे वो मानते थे कि भाई जापान तो सरेंडर करने ही वाला था, आपने तो बम फालतू में गिरा दिया, आप तो अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे भाई। लेकिन जो समर्थक थे उनका क्या कहना था भाई, जो समर्थक थे वो ये कहना चाह रहे थे कि नहीं भाई, अमेरिका ने बम इसलिए गिराया कि वो आगे होने वाली हानि को रोक सके और युद्ध को समाप्त कर सके। उनका कहना था कि आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए उसने बम गिराना जरूरी था। ठीक है, बात करते हैं आगे, तो परिणाम क्या रहे इसके, बात करें परिणाम की, तो देखो भाई सबसे ज्यादा जन एवं धन की अत्यधिक हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ, अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ समझ लो आप। ठीक है, और लाखों करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, अमेरिका एवं सोवियत संघ की शक्ति के रूप में उदय हुआ, तो दो लोग निकले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ना, दो महाशक्ति निकले। ठीक है, मतलब दो ही कंट्री फेमस हुई, दो ही कंट्री पावरफुल कहा गया, कौन कौन सी कंट्री थी, एक तो था अमेरिका, ठीक है, और दूसरा था सोवियत संघ, जिसे आप बोलते हो यूएसएसआर। ठीक है,
जिसका कौन था भाई हेड, रशिया। ठीक है, रशिया और 15 अन्य देश थे इसके अंदर, अभी बात करेंगे आगे चलने पे। करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अच्छा, करें अब ये जो परिणाम हुए क्या हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और साम्यवादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। अब इन दोनों को समझेंगे एकदम आगे, ठीक है। और इसी के ठीक बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ। क्या हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ। क्या था शीत युद्ध, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखिए। चलिए अगला है, उपनिवेशवाद का पतन हुआ, इसको भी देखते हैं। और कह रहा है यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन आया। मानचित्र मतलब था मैप, ठीक है। चलिए वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, निष्कर्ष की बात भी कर दे। निष्कर्ष क्या रहा? कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर तबाही मचाई। क्या वो भी भयंकर तबाही मचाई और दुनिया को दिखा दिया कि परमाणु बम के हथियार से पूरी दुनिया खत्म जाएगी, ठीक है। और ये इतना महाविनाशकारी था कि मेरे बोलने से आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कह रहा जापान में गिरे बम के निशान मिटे नहीं हैं आज तक, ठीक है। और इस युद्ध में यह तय कर दिया कि देशों के बीच समय समय पर बातचीत होनी जरूरी है, और नहीं तो ये आगे चल के बहुत विनाशकारी स्थिति हो सकती है। और यहाँ पे ढेर सारे नए आविष्कार भी हुए। कौन सा हुआ? जेट इंजन, ठीक है, जो आप देखते हो रॉकेट्स में लगा होता है, और रडार सिस्टम जिससे पता चलता है कि भाई कोई मिसाइल हमारे रेंज में है, ठीक है। इसका आविष्कार भी, कुछ आविष्कार और भी थे, ठीक है, उनकी बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो आज भी काम कर रहा है, ठीक है। बात करें इसके बाद हमारी शुरुआत होती है शीत युद्ध की। अच्छा, अब भाई शीत युद्ध क्या था, कौन कौन लोग शामिल थे और किन के बीच हुआ, अब इसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा कि जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियां उभरी। भाई कौन सी दो महाशक्तियां थी? एक थी हमारी अमेरिका और दूसरी थी हमारी सोवियत संघ। एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ, ठीक है, जिसे आप लोग यूएसएसआर बोलते हो, ठीक है। और यहीं से शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की समय सीमा की, तो 1945 से लेके 1991 तक हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। भाई शीत युद्ध क्या था? कह रहा भाई शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देश के बीच, क्या भाई, दो देश के बीच रक्त रंजित यानी बिना खून खराबे के आमने सामने की लड़ाई युद्ध ना होकर केवल विचारधारात्मक लड़ाई हो, ठीक है। मतलब मारपीट सामने से ना करे, मनी मन में, ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कह सकते हो, ठीक है, कि उसने कार ली तो मैं ट्रक लूंगा, ठीक है, इस तरह की बातें। कह रहा है दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीके गठबंधन बनाकर हथियारों के निर्माण द्वारा खुद तो एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती थी, और अपरोध तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती थी। मतलब शीत युद्ध में, अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया देख चुकी थी कि भाई युद्ध से कितना विनाश होता है, तो कोई भी देश युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाह रहा था। सब चाह रहे थे कि हम बेहतर बन जाएं, ठीक है। अब देखो दो पावरफुल लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, दो पावरफुल लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, लड़ाई का खतरा कम रहता है। जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उस व्यक्ति से लड़ाई करने की खतरा और कम रहेगा। अब देखो ना, दो पावरफुल व्यक्ति हैं तो वो आपस में नहीं लड़ते, उन्हें पता है कि लड़ने से क्या होगा, लॉस होगा और बहुत ज्यादा हानि होगी। किसकी? जन हानि होगी। तो यही कारण थे, दोनों महाशक्तियां थी और आपस में लड़ना नहीं चाह रही थी। तो क्या कर रही थी ये, क्या करती, संध्या करती, जितने भी छोटी मोटी कंट्रीज थी उनको आपस में मिला रही थी, ठीक है भाई आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ, और नए नए हथियार बना रही थी। और अगर कोई देश कुछ कर रहा था तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करती, मतलब उससे पहले खोज करने की कोशिश हो रही थी। इसी में से एक थी चांद पे जाने की होड़, ठीक है, जिसमें आपका यूएसएसआर जीत गया। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जंग हुई थी कि कौन पहले चांद पर पहुंचेगा, ठीक है, कौन जीता, यूएसएसआर। आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, कह रहे शीत युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? भाई कह रहे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी
दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका विचारधारा पूरी तरह से अलग थी और इसी वजह से ये युद्ध की शुरुआत हुई। देखो भाई, जो दो लोगों की विचारधाराएं अलग होती हैं वहीं तो क्या होती है, विवाद शुरू होता है। इसीलिए क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी और इसीलिए ये जो शीत युद्ध है इसकी शुरुआत हुई। तो भाई कोई आपसे पूछ सकता है भाई शीत युद्ध क्या था, तो आप बोल सकते हो कि भाई शीत युद्ध क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई थी जो बिना खून खराबे के हुई, बिना खून खराबे के, ठीक है, रक्त रंजित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें अमेरिका की, तो कह रहा है अमेरिका में क्या था। अच्छा, अमेरिका की जो विचारधारा थी वो क्या थी, पहला था पूंजीवादी। क्या है भाई पूंजीवादी, कह रहा है पूंजीवादी क्या होता है, कह रहा है पूंजीवादी के अंतर्गत एक देश सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में देता है। ठीक है, पूंजीवादी मतलब भाई जो भी देश में उत्पादन होगा उसका निर्णय कौन लेगा, जनता के हाथ में होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइवेट करना, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ निजी क्षेत्र को पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब लोग कुछ भी बना सकते हैं, लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से लोग कंट्रोल में है, लोग क्या करेंगे, क्लियर। चलिए अगला है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है भाई, कह रहा है इस विचार के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया गया, मतलब देश को, देश और देश की जनता को पूरी तरह से फ्री किया गया कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, और लोकतंत्र भी था, और हमारा लोकतंत्र कहां से लिया गया बेटा, अमेरिका से लिया गया। ये बात रखना कि जब संविधान बन रहा था, बात करेंगे अभी आगे चलने के बाद, तो अमेरिका से ही लोकतंत्र को उठाया गया। कह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव स्वयं किया जाता था। ठीक है, तो ये थी अमेरिका की विचारधारा, एक थी पूंजीवादी, उदारवाद और लोकतंत्र। पूंजीवादी के अंदर क्या था भाई, पूरा सेक्टर क्या होगा, प्राइवेट कर देगा, लोगों के हाथ में रहेंगे फैसले, भाई लोगों को क्या बनाना है, क्या करना है, क्या बेचना है। उदारवाद में क्या था भाई, कंट्री और कंट्री के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या ना, फ्रीडम प्रोवाइड करना। ठीक है, फ्रीडम मतलब आजादी, सिंपल सी बात है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, बात करें सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, इसकी पॉलिसी क्या थी, यानी विचारधारा क्या थी, इसकी जरा बात कर दें। तो कह रहा है समाजवाद। अच्छा, समाजवाद दोस्तों क्या होता है, जरा बात कर दें। कह रहा है इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का मुख्य अधिकार सरकार के हाथ में था। देखो ठीक उलट है, मैंने कहा ना लड़ाई कहां शुरू होती है, जहां दो लोगों की विचार अलग अलग होते हैं वहीं लड़ाई जन्म लेती है। ठीक है, यानी मतभेद जिसे बोल रहे हैं। अमेरिका में क्या था कि सभी फैसले जनता ले रही थी कि भाई किसका उत्पादन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन सोवियत संघ में ठीक उल्टा है। बात करें साम्यवाद की, तो कह रहे साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो भाई सोवियत संघ का क्या था, एक था समाजवाद जिसके अंदर क्या था, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, एक था साम्यवाद, इसमें क्या था भाई, सभी को समान अधिकार मिलेगा, समझे। अच्छा, बात करें शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला, मतलब दो वर्ल्ड वॉर तो हो चुके थे भाई, एक और होता तो क्या होता, नहीं ये इसीलिए नहीं बना, बताया मैंने कि दो पावरफुल लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन जानते हैं इससे क्या होगा, लॉस होने का होगा। आइए बात करते हैं अपरोध की, बात करें, कह रहा अपरोध का तर्क वह स्थिति है, मतलब अपरोध का मतलब क्या है, जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते हैं। बताता ना कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब परमाणु बम गिरे तो कहने का मतलब दो जो शहर थे वो नक्शे से मिट गए एक तरह से कह लो, ठीक है, और लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों अरबों रुपए की हानि भी, तो इतना हानि कौन देश सहेगा, इससे क्या हो सकता है, आर्थिक मंदी भी आ सकती है किसी देश के अंदर, ठीक है, जैसे देश डूब सकता है। कह रहा वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो उसे दो ध्रुवता कहलाती है। देखो भाई सीधी बात है, जब पूरी दुनिया में दो पावरफुल कंट्रीज होंगी तो क्या होगा, कुछ लोग एक तरफ होंगे, कुछ लोग दूसरी तरफ होंगे, तो दुनिया दो भागों में यानी दो केंद्र में बढ़ जाएगी, ठीक है, उसे ही हम दो ध्रुवता कहते हैं। ठीक है,
और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्लियर। कह रहा है शीत युद्ध का दौर ऐसे ही समय था जब विश्व में केवल दो महाशक्तियां थी, पहली थी सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, दूसरी थी अमेरिका। इस समय को ही दो ध्रुवता या दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगा नहीं। आपको समझ में आ गया क्यों लोग लड़ना नहीं चाहते थे? क्योंकि इतने लॉस को उठाने को तैयार नहीं थे। आगे की बात करते हैं। अच्छा, सैन्य संधि क्या थी भाई? देखो मैंने कहा ना कि ये आपस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? ये सैन्य संधि कर रहे थे, अन्य देशों को अपने में शामिल कर रहे थे। ठीक है कि भाई तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, ताकि जब लड़ाई हो तो हर देश क्या हो, अपने आप में सशक्त हो। क्लियर। चलिए, हाँ, जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी वो इसी कारण से हुई थी, संधियों के कारण से। क्योंकि भाई मान लो कि मैंने आपसे संधि कर रखी है कि मुझे कोई मारेगा तो आप मुझे आके बचाओगे, ठीक है, तो मेरी लड़ाई होगी, मैं पिटने लग गया तो आपको आना पड़ेगा। आपने भी किसी और संधि कर रखी थी कि भाई अगर मुझे मारा तो जाना पड़ेगा, और आप भी पिट रहे हो, तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग लड़ने लगते हैं, बात समझ रहे हो। और इसी तरह सेकेंड पार्टी ने भी कर रखा होगा, मान लो हम तीन लोग मिलकर उसे पीट रहे हैं, फिर वो भी किसी बुलाएगा, होता ना स्कूल में, रुक बुलाता हूं बंदे में, हाँ ये वही सिस्टम है, ठीक है। चलो आप लोग ऐसा ना करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, कह रहे शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अपने साथ अन्य देशों को शामिल करना शुरू कर दिया। दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य संधि संगठन बनाए, ठीक है, बहुत सारे संगठन बनाए। अब बात करेंगे उन सैन्य संधि संगठन की, देखते हैं जरा वन बाय वन। अच्छा, क्या किया ये जो महाशक्तियां थे, इन लोगों ने छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल किया और एक संघ बनाया, यानी एक संधि की एक संगठन बनाया, और दोनों ने, अमेरिका ने भी अपने बनाए और यूएसएसआर ने भी अपने अपने बनाए। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा पेपर के नजरिए से। चलिए जरा बात करते हैं, बात करेंगे अमेरिका की। तो उसने बनाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं नाटो, ठीक है। कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को, और अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, और रशिया को खतरा था कि भाई अगर ये उसमें शामिल हो गया तो बाद में लड़ाई भी, तो इसलिए हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो बात करेंगे क्या उद्देश्य था कि भाई एक सब क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, अगर कोई किसी भी एक पर हमला करेगा तो हम सभी अपने ऊपर हमला मानकर उस पर हमला करेंगे, ठीक है, समझे। ये वही वाली बात हो गई कि एक पिटेगा तो बाकी फोन करेगा और बंदे आएंगे, ठीक, आ जाओ। दूसरा है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं सीटो, 1954 बनी थी, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अच्छा, उद्देश्य क्या थे भाई? उद्देश्य थे साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा करना। क्लियर है, कोई दिक्कत। कब बनी थी? 1954 में। नाम क्या है? सीटो, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, केंद्र संदेश संधि संगठन। इसमें क्या था भाई, कब बना था? 1955 में। अच्छा, क्या उद्देश्य थे? उद्देश्य थे कि भाई सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, किसको? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को मध्य पूर्व से दूर रखना, और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। अभी पढ़ाया था साम्यवाद, ठीक है, उम्मीद करता हूं याद होगा, जिसको याद है वो कमेंट करें। चलिए बात कर दें सोवियत संघ की, तो भाई इसने भी कुछ की, आइए जरा कौन कौन से की। पहला है वारसा संधि, क्या की भाई? वारसा संधि। अच्छा, 1955 में। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था, ठीक है, जो लोग नाटो में शामिल हुए उनसे लड़ने के लिए एक वारसा संधि की गई, ठीक है, और इसमें भी इसने भी क्या बहुत सारी कंट्रीज को शामिल किया इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी भाई? अब कोई बड़ा देश है, बहुत पावरफुल है, उसे क्या जरूरत पड़ गई कि छोटे देश से आके मदद मांगे या कहे भाई तू आ जा मेरे साथ? तो इसके कुछ कारण थे। देखो भाई, पहला जो कारण बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि देखो कई बार क्या होता था छोटे छोटे देशों में, तेल होता था, खाने का सामान होता था, और काफी लोकेशन वहां करती थी हमला करने के लिए, सारी चीजें महत्वपूर्ण संसाधन, सैनिक ठिकाने,
भूक्षेत्र और आर्थिक मदद, ठीक है, खाना पीना ये सब देखना, आर्थिक मदद थी, ठीक है, करा। अच्छा, छोटे देश क्यों शामिल हो रहे थे? चलो बड़ा तो कर रहा था भाई, आजा आजा, लेकिन छोटे क्यों हो रहे थे? तो देखो भाई, छोटे इसलिए हो रहे थे, एक तो उनको क्या मिलता भाई, सुरक्षा का वायदा, ठीक है, दूसरा है सैन्य सहायता, और तीसरा है हथियार, चौथा है आर्थिक मदद, ठीक है। मतलब बड़ी कंट्री उनको पैसा भी दे रही थी, हथियार भी दे रही थी, और सैनिक भी दे रही थी, और कह रही थी कोई अगर तुमको मारेगा तो हम तो हैं ही भाई, तो ये इनका छोटे देशों का फायदा था, ठीक है, ओके। अच्छा, बात करें इसके दायरे की, कि भाई शीत युद्ध के दायरे क्या थे, तो भाई सीधी बात है, शीत युद्ध के दायरे से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिसमें या जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियां बीच में युद्ध हो ही जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं। कई बार तो देखो यार, ऐसी स्थिति में ना कि दोनों यूएसएसआर और अमेरिका आमने सामने आकर खड़ी हो गई। भाई कौन सी स्थिति थी, आइए देखते हैं। ये था क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, ये बहुत फेमस था और ये बहुत डेंजर स्थिति आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो लड़ाई होकर ही मानेगी, लेकिन खैर जान बची और हुई नहीं। आइए देखते हैं क्या था ये। कह रहा है क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक समाजवादी देश है जो किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर के, यूएसएसआर के, ठीक है। जिस तरह से अभी यूक्रेन था रशिया के ठीक बगल में, उसी तरह से अमेरिका के बगल में कौन था, क्यूबा, समझे। कह रहा है सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहां पर समाजवादी सरकार थी और पर यह अमेरिका के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिराकर वहां अपनी मनपसंद सरकार ना स्थापित कर दे, ठीक है। इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर दी, ठीक है, मतलब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी कि भाई कुछ होगा तो फिर तो लड़ाई होकर रहेगी। और क्योंकि भाई क्यूबा क्या था, अमेरिका के पास था, तो वहां मिसाइल प्लॉट करने का मतलब था कि पूरा आधे अमेरिका में, मतलब अमेरिका के सेंटर तक यूएसएसआर हमला कर सकता था, ठीक है। अच्छा, क्यूबा पर मिसाइलें तैनात किए जाने, अब अमेरिका ने सोवियत संघ के, क्या था भाई, अमेरिका था किसके निशाने पर आ गया, सोवियत संघ के निशाने पर आ गया, क्या है भाई, बहुत पास थे और हमला कर सकता था। और इस बात का अमेरिका को क्या भाई, बहुत बाद में खबर लगी, मतलब इनको कोई खबर ही नहीं थी भाई हमारे बगल मिसाइल आ गए, ठीक है। चलो खैर, वो खबर मिली, कब मिली खबर इनको, 3 हफ्ते बाद पता चला कि भाई सोवियत संघ में क्या हुआ, क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। अच्छा, तो क्या हुआ, यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाए और अपनी जंगी बेड़े, जंगी बेड़े क्या होता है भाई, जहाजों के बेड़े होते हैं, बहुत सारे जहाज होते हैं और जिनपे ढेर सारे हथियारों से क्या होते हैं, लैस होते हैं, लड़ाई के लिए समुद्र में आगे कर दिया, ठीक है। और पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने, मतलब इस साइड यूएसएसआर और उस साइड अमेरिका खड़ी हो गई, ठीक है। और ऐसा लगा कि मानो इस बार तो युद्ध होकर जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्लियर। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई और ऐसा लगा कि भाई अब तो लड़ाई हो गई और तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हुई और इस चीज को निपटाया गया, ठीक। अब बात करेंगे, कह रहा 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी की, ठीक है, 1948 में सोवियत संघ ने क्या किया, बर्लिन की घेराबंदी शुरू की, और ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों के प्रभाव से उसे बचा सके, और इसे ही बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है। मतलब क्या किया भाई, 1948 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने बर्लिन की घेराबंदी कर दी। क्यों कर दी भाई, ताकि जो बाकी देश का जो प्रभाव था, ठीक है, उससे बर्लिन को बचाया जा सके, ठीक है, इसीलिए उन्होंने किया, इसी को कहा जाता है बर्लिन की घेराबंदी, ठीक। कब किया, 1948 में। अब बात करते हैं आगे की। अच्छा, कोरिया संकट क्या था भाई, क्या था कोरिया संकट। अच्छा, कोरिया में भी युद्ध हुआ था, कब, 1950 से लेके 53 के बीच में। जरा बात करते हैं क्या था इस युद्ध में।
कह रहा है 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया, ठीक है आपको पता है ना किंग जोंग सुनते होगे, ठीक है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया काफी सुनता होगा, ठीक है हाँ, कह रहा है 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया और एक तरफ जहां उत्तरी कोरिया को, ध्यान देना उत्तरी कोरिया को समर्थन कौन दिया था, सोवियत संघ कर रहा था, तो ठीक इसका उल्टा दक्षिण कोरिया को समर्थन अमेरिका द्वारा किया जा रहा था, ठीक है और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोनों क्या थे लड़ रहे थे, मतलब शाम तो नहीं आए लेकिन सपोर्ट कर रहे थे, एक बंदा साउथ कोरिया को दूसरा बंदा नॉर्थ कोरिया को, ठीक है क्या था अमेरिका साउथ में था और सोवियत संघ नॉर्थ में था, ठीक है और लड़ाई कर रहे थे लेकिन सामने खुद युद्ध में नहीं उतरे, ठीक है मतलब तलवार चला रहे थे दूसरे के हाथ में देके, क्लियर समझे चलिए। अच्छा अगला है वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, अच्छा भाई क्या था वियतनाम युद्ध की बात करें तो कह रहा है 1954 के आसपास, कब भाई 1954 के आसपास के दशक के उत्तरी वियतनाम जिसमें सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, किसको भाई उत्तरी वियतनाम किसका समर्थन प्राप्त था भाई सोवियत संघ का, ठीक है और दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था इसके बीच युद्ध हो गया और इसे ही वियतनाम संकट कहा गया, कब हुआ था 1954 से 1975 तक ऑलमोस्ट कह लो 21 साल 54 660 और 15 21 साल तक। अच्छा एक बार फिर से वियतनाम संकट क्या था तो भाई उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, ठीक इसके उलट दक्षिणी को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और उनके बीच में क्या हो गया युद्ध शुरू हो गया और इसी को वियतनाम संकट कहा गया, क्लियर है बात समझ गए उम्मीद करता हूं। चलिए अच्छा अब हंगरी, अब देखो हंगरी में क्या हो रहा था, हंगरी भी देश है ठीक है याद रखना, कह रहा 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप करने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्ते और खराब हो गए, अब क्या हुआ भाई ये लोग कर क्या रहे थे ना आपस में तो सामने तो लड़ नहीं रहे थे, कहीं और लड़ाई हो रही वहां जाके सपोर्ट करने लगे, अब जब एक गया है तो दूसरे को भी पीछे पीछे, पीछे आना पड़ेगा, तो यही हुआ हंगरी में क्या हुआ 1956 में क्या हुआ सोवियत संघ द्वारा हंगरी में भाई वो गए और इसी के ठीक पीछे पीछे क्या हुआ अमेरिका भी वहां पहुंच गया और क्योंकि दोनों आपस में लड़ाई तो करते नहीं थे बस सपोर्ट करते थे तो इनके रिलेशन काफी क्या हो गए खराब हो गए, और कौन से रिलेशन भाई पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रही है राजनीतिक संबंध की बात हो रही है यहां पर, ठीक है चलिए बात करेंगे परमाणु संधि की, अब जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देख लिया कि भाई परमाणु हथियार कितना खतरनाक था और सभी देश क्या करते लगातार परमाणु खोजे जा रहे थे है ना और परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, तो इसको रोकने के लिए ताकि फिर से महाविनाश ना शुरू हो जाए इसके लिए कुछ संधियां की गई, ठीक है उनके बारे में जानेंगे हम लोग, कौन सी थी भाई कराची युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज्यादा हथियार बनाए जा रही थी, मतलब शीत युद्ध के अंदर दो ही चीजें हो रही थी एक आगे निकलने की होड़ और दूसरा एक दूसरे से कितने अधिक हथियार हैं, ठीक है इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि वह आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों का उत्पादन को रोक देंगे, ठीक है और इस दौरान महाशक्तियों ने तीन प्रमुख संधियां की। देखो भाई क्या होता है जब व्यक्ति को लगता है ना कि लॉस हो रहा है और दोनों पार्टी का दो पावरफुल पार्टी है ना कि भाई लॉस हो रहा है, क्या करते हैं वो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं और यही किया इन दोनों ने, क्या किया भाई कुछ संधियां कर ली जिससे जो इनका खर्चा हो रहा था हथियारों पर वो कम हो, ठीक है कौन सी संधियां थी, पहला था सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, क्या थी भाई ये जरा बात करते हैं, कह रहा इन वार्ताओं के द्वारा अमेरिका सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया और दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता किया और यह फैसला किया कि इनके उत्पादन को रोका जाएगा या कम किया जाएगा या सीमित कर देंगे, मतलब इतनी मात्रा में ये लोग बनेंगे, ठीक है तो क्या था सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं। आगे की बात कर दें, अगला है एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, अच्छा क्या था ये भाई बात करें जरा इसकी, तो कह रहा है यह संधि वायुमंडल
बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण को प्रतिबंध लगाती थी। ठीक है, प्रतिबंध मतलब बैन, कोई कर नहीं सकता। क्या इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुआ। ठीक है, कब किए भाई? 5 अगस्त 1963 को कहां किया? मॉस्को में किया। लागू कब हुआ? 10 अक्टूबर 1963 को। था क्या? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब परमाणु हथियार की जो टेस्टिंग पे इन्होंने रोक लगाई थी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? बात करेंगे अगले की। अगला है एनपीटी। क्या था भाई? नाम है परमाणु अपसार संधि। ठीक है, नॉन प्रोफिल्ट्रेशन ट्रीटी, नॉन प्रोफिल्ट्रेशन ट्रीटी। क्या था इसका मतलब भाई? बात करेंगे जरा, इसमें क्या था? कह रहा इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके होंगे। मतलब इसने कहा कि भाई 1 जनवरी 1967 से पहले जिन जिन लोगों ने परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया है उन उनको हम मानेंगे कि भाई ये क्या है, परमाणु हथियार इनके यूज भी कर सकते हैं और इनको एक तमगा मिलेगा कि भाई इनके पास परमाणु हथियार है। ठीक है, और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता। मतलब बाकी देश जो अब तक नहीं कर पाए वो अब नहीं कर सकते, ये बैन है। कह रहा इस संधि को 1968 में वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। अच्छा, मेरी बात सुनो, एनपीटी, ठीक है, परमाणु अपसार संधि, ठीक है, नॉन प्रोफिल्ट्रेशन ट्रीटी, मतलब इसमें क्या था? इसके अंदर सिर्फ ये था कि भाई 1 जनवरी 1967 से पहले जो लोग परमाणु हथियार का प्रयोग कर चुके हैं सिर्फ वही करेंगे और अब कोई टेस्ट नहीं करेगा, और करेगा तो उस पर बहुत सारे बैन लगाएंगे सब मिलकर। ठीक है, और इस पर ये संधि कब हुई? 1968 में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में इस पर साइन किए गए, और लागू कब से हुई? 5 मार्च 1970 को। क्लियर है, उम्मीद करता हूं बात समझिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नया टर्म है गुट निरपेक्षता। भाई क्या था ये गुट निरपेक्षता? अच्छा, हुआ क्या कि जो इन दोनों ग्रुप में शामिल नहीं हुए, ठीक है, मतलब क्या था कि जब दुनिया दो भागों में बटी हुई थी तो हुआ क्या, कुछ ऐसे देश थे जो शामिल होना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, उन्हीं के ऊपर बात करता है गुट निरपेक्षता टॉपिक, बात करते हैं जरा उसके अंदर। चलिए बात करेंगे। कह रहा है गुट निरपेक्षता से अभिप्राय गुटों से दूर रहना, मतलब जो ग्रुपबाजी हो रही थी, दो ग्रुप जो बने हुए थे इनसे दूर रहना। था क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन? जब बात करते हैं, शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ। दो गुटों में बट रहे देशों ने अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति, और इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं था। मतलब क्या था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन उन कंट्रीज ने चलाया जो ये जो था ना, क्या शीत युद्ध में पूरी दुनिया दो भाग बटी हुई थी, तो कुछ कंट्रीज थी जो इन दोनों के साथ शामिल होना नहीं चाह रही थी, वो इस गुट से दूर रहना चाहती थी। ठीक है, और उन्हीं लोगों ने मिलकर एक आंदोलन छेड़ा था उन कंट्रीज में मिलकर। ठीक है, इंडिया भी उसी में से एक था। ठीक है, क्लियर। तो इंडिया इन दोनों में से किसी के साथ नहीं था, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य भूमिका में था कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, इनका उद्देश्य क्या था जो गुट निरपेक्ष वाले थे, कि हम किसी भी पार्टी में या फिर मतलब किसी भी साइड में नहीं जाएंगे, हम एक अलग साइड में रहेंगे और हम विश्व शांति की साइड रहेंगे, मतलब हमें शांति चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। ठीक है, और लेकिन हाँ, इन गुटबाजी को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर सबसे बात करेंगे। ठीक है, शामिल नहीं होंगे लेकिन बाकी जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर बात चलेगी। ऐसा नहीं कि सभी चीजों से दूर है, नहीं, ऐसा नहीं था। स्थापना कब हुई जरा देखते हैं। कह रहा है कौन कौन लोग थे? कह रहा है जोसेफ
ब्रॉन्ज टीटो यूगोस्लाविया और जवाहरलाल नेहरू भारत और गमला अब्दुल नासिर मिस्र के, इन तीन लोगों ने मिलके ये स्थापना की कब, 1955 में। ठीक है, कौन से थे भाई, जोसेफ ब्रॉन टीटो यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू भारत और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे। ये बाडूंग में एक सफल बैठक जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। कहां था भाई, बाडूंग में मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ये लोग आपस में बैठे, इन्होंने बात की और उस पर फिर साइन वाइन किए और ये लोग सब शामिल हुए। ठीक है, क्लियर, इसे नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है पहला सम्मेलन। अच्छा, कोई भी चीज बनती है, कोई भी संधि होती है, तो उनकी ना कई मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स में पहली मीटिंग कब हुई जरा बात करेंगे इसकी। कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ भाई, बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए और इसके 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। मतलब ये जो गुट था बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत से लोग शामिल हुए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बताया जो संस्थापक के बारे में बात हमने की थी, एक बार फिर से कर देते हैं, कौन कौन से थे भाई, जोसेफ ब्रॉन स्ट्रीटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और सुकर्ण और एनक्रुमा। ठीक है, एनक्रुमा, क्लियर, जो घाना से थे। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष और पृथकवाद। देखो भाई, ये पृथकवाद क्या है जरा इसकी बात कर दें, तो आइए जरा कह रहा है, पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति से होता है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है, दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, क्लियर, मतलब अलग हो गया, बाकी देशों से मतलब नहीं है, लड़ाई हो रही है, मर रहे हैं, लड़ाई नहीं, मतलब उससे कोई मैटर नहीं है, हम अपने देश के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, आजकल लोग क्या है, अपने घर के अंदर लगे हुए हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये पृथकवाद का मतलब यही था कि एक व्यक्ति अलग हो गया पूरे समाज से, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, यहां पर यह बात देश के लिए की गई है। तो पूछ रहा है क्या गुटनिरपेक्ष पृथकवाद थे, नहीं, वो पृथकवाद नहीं थे, गुटनिरपेक्ष पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामले, मतलब देश जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल मामले होते हैं उनसे अलग रखता है, जबकि ऐसा नहीं था। गुटनिरपेक्ष केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने से संबंधित था, बाकी सभी मामलों पर क्या था, गुटनिरपेक्ष के जाते थे, बैठते थे, मीटिंग वीटिंग करते थे और उनके रिलेशन भी अच्छे थे। क्लियर, लेकिन ये जब जो थे ना गुट वाली वाली बात, इनसे दूर रहते थे। अच्छा, एक है तटस्था, ये क्या होता है भाई, करेक्ट, तटस्था का मतलब क्या होता है भाई, अगर बात कर दूं मैं मतलब की, तो आइए जरा मतलब बात करते हैं। तटस्था का मतलब युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल ना होना। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं, ना ही उसे समाप्त करवाने में कोई कदम उठाते हैं। तो क्या गुटनिरपेक्ष तटस्थवाद थे, नहीं भाई। तटस्था का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि युद्ध से दूर रहेंगे, ना तो हम युद्ध करवाएंगे, ना तो हम युद्ध रोकेंगे, युद्ध में हमारा कोई योगदान नहीं होगा। तो जो गुटनिरपेक्ष थे, जो लोग इन गुटों से अलग थे, क्या वो तटस्थवाद थे, नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था जरा देखते हैं, कह रहे गुटनिरपेक्ष तटस्थवाद नहीं थे, क्योंकि तटस्था देश वह देश होता है जो युद्ध में, युद्ध ना होने या होने या ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है और ना ही समाप्त करवाने में कोई कदम उठाता है। अगर गुटनिरपेक्ष की बात करें तो इसमें शामिल सभी देश युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर वे शांत करवाने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। इन सभी लोगों ने, जो गुटनिरपेक्ष में थे ना, काफी कोशिश की कि लड़ाई झगड़ा ना हो, और कई बार इन्होंने क्या की, बैठ के की और बीच चाव किया। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम पर समर्थन किया और हर गलत कदम पर क्या किया, उनका विरोध किया, जो युद्ध शांत करवाने के लिए उनकी भूमिका को दर्शाता है। मतलब अच्छे कदम पे अच्छाई भी की और बुरे कदम पे बुराई भी की।
अच्छा गुट निरपेक्ष और भारत में क्या भूमिका थी भाई? अच्छा जरा बात करते हैं, कह रहे फायदे, कह रहे स्वतंत्र विदेश नीति थी भारत की, दोनों महाशक्तियों का समर्थन मिला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, और एक महाशक्ति द्वारा विरोध के दाने पर दूसरी महाशक्ति का समर्थन, ठीक है, और अन्य विकासशील देशों का सहयोग। जरा समझते हैं गुटनिरपेक्ष और भारत। अच्छा भारत को क्या फायदे हुए? पहले तो क्योंकि भारत इन दोनों में शामिल नहीं था तो इसकी क्या थी जो स्वतंत्र विदेश नीति थी, मतलब ये किसी के साथ भी व्यापार बातचीत कर सकता था, पहली बात तो ये। और दोनों महाशक्तियां अमेरिका भी और सोवियत संघ भी क्या करती थी, गुट निरपेक्ष के लोगों का समर्थन करती थी, मतलब भारत का समर्थन कर रही थी। रीजन था क्यों कर रही थी भाई, क्योंकि अगर किसी एक ने विरोध किया तो क्या होगा, दूसरी पार्टी रेडी बैठी है, अच्छा वो तुम्हारा विरोध कर रहा है, आप हमारे साथ मिल जाओ। अगर कोई इनका विरोध करती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हो गए थे, लगभग 150 कंट्रीज से ऊपर हो गई थी, 160 कंट्रीज से ऊपर, कोई इनका अगर विरोध करता, मान लो अमेरिका विरोध करता, तो क्या कहता है सर कि आओ भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो इसीलिए कोई इनका विरोध भी नहीं कर रहा था, इनका सम्मान कर रहा था। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूं बात समझे होंगे। चलिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, क्योंकि जब जो कंट्रीज अलग थी, लड़ाई नहीं कर रही थी, उसको सब लोग नोटिस कर रहे थे। ठीक है, और अगर कोई एक महाशक्ति उसका विरोध करता तो दूसरी इसके समर्थन के लिए बैठी थी, और अन्य विकासशील देशों का सहयोग भी मिला इसमें, ठीक है, भारत को। चलिए अच्छा, करें आलोचक क्या कहते थे भाई? देखो किसी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है, समर्थन करते हैं तो आलोचक भी होते हैं। आलोचक क्या कहते थे? कह रहे भारत की नीति में स्थिरता नहीं थी। ठीक है, जो आलोचक थे जो इसके खिलाफ बोलते थे वो लोग कहते थे भारत की नीति में स्थिरता नहीं थी, भारत की नीति सिद्धांत विहीन थी। क्या थी भाई? कोई सिद्धांत ही नहीं था, कोई रूल नहीं था, मतलब कोई प्रिंसिपल ही नहीं था, सिद्धांत समझते ना। कह रहे अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश करता था भारत। क्या था भाई? उनको लगता था कि भारत है अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश कर रहा है। और 1971 में सोवियत संघ द्वारा ली गई मदद गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन था। भाई आपको पता होगा 1971 की वॉर में, ठीक है, क्या किया, हेल्प की थी। किसने हेल्प की थी? रशिया ने। किसकी? इंडिया की। और रशिया क्या था? सोवियत संघ का उस टाइम लीडर था। ठीक है, तो ये लोग मानते हैं कि वो क्या था, उसका उल्लंघन था। कह रहा दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था भारत, समझ रहे हो? तो ये था जो आलोचक थे वो कहना चाहते क्या थे, पहला पहला पॉइंट था स्थिरता नहीं थी, सिद्धांत विहीन थे, और अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश कर रहे थे, और 1971 में जो सोवियत संघ से मदद मिली थी उसको मानते थे कि भाई गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन है, कि जब आप किसी के साइड हो ही नहीं तो आप हेल्प कैसे ले रहे हो। ठीक है, और दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अच्छा बात करें इसकी प्रासंगिकता की, तो ये क्या होता है? कह रहे गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय आज के समय में गुटनिरपेक्ष की जरूरत से है, मतलब जो आज के टाइम में है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कह रहे बहुत से विद्वान का यह मानना है कि गुटनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था और अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए गुटनिरपेक्षता के अप्रासंगिक है, मतलब एक तरह से गलत है, क्योंकि आज के टाइम में जो प्रासंगिकता है उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जब वर्ल्ड वॉर में क्या थी, दो ध्रुव में पूरी दुनिया बट गई थी, तो वहां पर उसकी जरूरत थी, बट आज के टाइम में इसकी जरूरत नहीं लगती है। पर वह देश जो गुटनिरपेक्ष में शामिल है उनके इस बारे में अलग विचार है, मतलब जो लोग शामिल है वो कहते हैं, वो अलग कहते हैं। ठीक है, जो नहीं है, बताया मैंने, वो लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग शामिल है उनका विचार इस पर अलग है। अगला है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, क्लियर, देखते जरा क्या है ये, बात करेंगे। शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुटनिरपेक्षता, मतलब क्या थे, एक अमेरिका वाले, एक यूएसएसआर वाले, और ये गुटनिरपेक्ष वाले जो किसी गुट में शामिल नहीं थे। क्लियर, लगभग सभी वह देश जो अभी अभी आजाद हुए थे और गरीब वे अल्प विकसित, मतलब जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है, उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना था,
देश को गरीबी जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने का समान अवसर मिले। और इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन अकाउंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टुवर्ड्स ऑन ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट में नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई। इसे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में सुधार व्यवस्था के प्रस्ताव थे। जरा बात समझते हैं, कह रहा भाई जो शीत युद्ध में था, जो तीसरा जो तीसरी दुनिया से कह रहे थे जो गुटनिरपेक्ष की थी, उसमें कौन लोग शामिल हुए? भाई उसमें वो लोग शामिल हुए जो कंट्रीज अभी अभी आजाद हुई थी, ठीक है। और वो क्या थे, वहां के लोग बड़े गरीब थे और देश की अर्थव्यवस्था भी क्या थी, बहुत खराब थी। और वो क्या कर रहे थे, अपना विकास करना चाह रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से कहते हैं असहाय कंट्रीज ही गुटनिरपेक्ष के अंदर शामिल थी, ठीक है, कुछ एक को छोड़कर। और इनका मेन मुद्दा क्या था, विकास करना। और विकास कैसे होगा भाई, विकास किसी भी कंट्री का विकास सिर्फ एक कारण पर डिपेंड करता है, उसकी इकोनॉमी पे, ठीक है। और इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, व्यापार से। अच्छा व्यापार कैसे होगा, जब सभी देश आपस में क्या करेंगे, व्यापार की अनुमति देंगे। तो इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड की गई, ट्रेड एंड डेवलपमेंट किया गया, जिससे सभी को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार हो और सभी देश एक दूसरे से व्यापार कर पाए, इसका ये एक पॉइंटर मुद्दा था। अच्छा कह रहा है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या था भाई, जो देश ना अल्प विकसित, बताया आपको अल्प विकसित क्या होता है भाई, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, अल्प विकसित देशों को अपने संसाधन पर पूर्ण नियंत्रण, पहली बात। और अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार व्यापार करने का मौका। जैसे देखो अब अमेरिका का बाजार है, अगर वहां पे क्या है, बहुत विकसित देश है वो, तो वहां पे बाजार है, अगर इंडिया का सामान वहां जाके बिकेगा तो क्या होगा, इससे इंडिया को प्रॉफिट होगा, और होता भी है, इंडिया करता भी है। तो जो अल्प विकसित देश हैं, अगर विकसित देश उनके लिए अपना बाजार खोल दे तो इससे उनका विकास में काफी मदद मिलेगी। अच्छा कह रहा है विकसित देशों में से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम होती है। मतलब देखो जो कंट्रीज क्या है, डेवलप है, वहां से अगर टेक्नोलॉजी मंगाते हैं किसमें, कम विकसित देशों में, तो क्या होती है, सस्ती होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक चाइना से फोन मंगवाए वो सस्ता पड़ता है, लैपटॉप मंगाए सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर वही चीज इंडियन कंपनी है तो वो चीज महंगी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अभी उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, ठीक है, और चीजें महंगी है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम जितने भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी देश, हम क्या कोई भी देश जो अल्प विकसित है, जो गरीब है, वो टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देश से ले आता है और फिर सामान बना के उसी देश में वापस बेचता है। कह रहा है अल्प विकसित देशों की सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विकसित देश जितना महत्व प्रदान किए जाए। क्या भाई, अल्प विकसित देशों को भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में, मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो इंटरनेशनल बनी है, उनको भी विकसित देश जितना महत्व दिया जाए, ये था इसका, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 2 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हां, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।